अध्याय। ये मामला तो सिर्फ सिर्फ गाजियाबाद तक अब सीमित नहीं है, इसकी जांच मुंबई के पास थाने में भी हो रही है और अब सूत्र कह रहे हैं एमएचए से जानकारी साझा की गई है, आईबी को भी शामिल कर लिया गया है, ये बड़ा अलर्ट हो सकता है। अमित जी, जब कन्वर्जन के खिलाफ मैंने 2020 में पीआईएल फाइल किया था तो उस मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए 10 लोग आ चुके हैं, मुस्लिम संगठन के क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के 10 लोग विरोध करने आ गए। मैं फिर से कह रहा हूं, धर्मांतरण हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और यह बात 14 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, ओपनली कह चुका है, सारे अखबारों में छपा है कि कन्वर्जन हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, तत्काल इन जिहादियों के खिलाफ एनएसए लगाइए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए, जिससे कम से कम इनको 1 साल तक जमानत न मिले। इनके खिलाफ इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान करिए, इनके घर पे बुलडोजर चलाइए। और जैसा आपने अमित जी कहा, ये ऐसे नहीं है, इंजीनियर शामिल है, फॉरेन फंडिंग शामिल है, बड़े बड़े इसमें बाहर की फंडिंग आ रही है और किस तरीके से प्लांड वे में यंग जनरेशन जो अभी तक अछूती थी, नहीं यंग जनरेशन नहीं है, बच्चे, ना ना ना, यहाँ आप गलत कह रहे हैं, आई विल डिसएग्री विद यू, यंग जनरेशन नहीं है, यहाँ छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं। फोन गेम वगैरह कौन यूज कर रहा, मिडिल क्लास के बच्चे यूज कर रहे हैं, एलिट क्लास के बच्चे यूज कर रहे हैं, तो इन्होंने जो पहला टारगेट था उसको नया छोड़ दिया, वो तो चल ही रहा है, ये नया टारगेट लिया है कि अमित देवगन के बच्चे, अश्विनी उपाध्याय के बच्चे या जो मिडिल क्लास के और लोग भारत में हैं, करीब 30-35 करोड़ लोग हैं, उनके बच्चों को टारगेट किया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शुदाब चौहान, शुदाब चौहान, में बदलाव सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि फोर्स कन्वर्जन जो है इट इज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। अब इन जिहादियों, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है ना, क्या आपको लगता नहीं है इस पूरे मामले में जिस तरह से जांच तेज हुई है, आईबी की एंट्री हुई है, इट इज अ सीरियस मैटर। छोटा भीम और अंताक्षरी से मामले को दबा नहीं सकते। नहीं, मैं बड़ा भीम छोटे भीम की बात नहीं करूंगा, ये सीरियस मैटर है। मैं तो आपकी बात से सहमत हूं, बहुत ही सीरियस कंसर्न है, क्योंकि ये ना तो इस्लाम की टीचिंग्स है, ना ये हिंदुइज्म की टीचिंग है, ये किसी धर्म की टीचिंग नहीं है, ये एक नफरत का एजेंडा है और इस नफरत के एजेंडे को हमें खत्म करना होगा। लेकिन संजय सोनी पर एनएसए लगाने की बात नहीं की हमारे अश्वनी भाई ने, जो 15 लाख हिंदू बेटियों की जानकारी, ईमेल आईडी, फोन नंबर और अंडरगारमेंट के साइन विदेश में उस डेटा को बेच रहा है, उस पर भी आप एनएसए की मांग कीजिए, हम मांग कर रहे हैं। देखिए संजय सोनी का मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का नहीं है, अब मुझे तो संजय सोनी का मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का नहीं है, फर्स्ट पॉइंट नंबर वन। और वहां पर जो मैटर है, आई थिंक उस पूरे मैटर के अंदर जो जानकारी रही मेरे पास है अभी तक, उस पूरे मैटर के अंदर कोर्ट में आज सुनवाई थी उनकी बेल की, मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक और बात बता रहा हूं आपको जो कि महत्वपूर्ण है, मैं आपके पास आता हूं और आपसे ये स्पष्ट सवाल पूछता हूं, माजिद हैदरी, क्या आपको लगता नहीं है जिसको आप अंताक्षरी कह रहे थे वो एक खेल है, उसमें इंजीनियर शामिल है, लोकल मौलवी शामिल है, पूरा तंत्र पूरा सिस्टम शामिल है और आप अंताक्षरी खेल रहे की बात कर रहे हैं? अमीश भाई केवल 30 सेकंड लूंगा। हाँ, दे दिया। आप बात कर रहे हैं कि बच्चों को कौन सी गेम खिलाई जाए कौन सी नहीं खिलाई जाए, धर्म परिवर्तन से आपको आपत्ति है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि इस देश में 59 लाख बच्चे अर्थात 60 लाख बच्चों को 2 वक्त की रोटी दिन को नहीं मिलती, और सबसे ज्यादा जो भूखे बच्चे रहते हैं वो यूपी में रहते हैं, जिनकी टोटल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो उनका कंपोजिशन है, 28% इस देश के जो बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिलता शाम का दिन का, वो यूपी में रहते हैं। देखिए जब उसे पेट में रोटी मिलेगी, जब 2 वक्त की रोटी मिलेगी, आंकड़े बढ़ चुके हैं। 2016 बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था, 17.8% आप विषय पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? निकला था मैं, ये गेमिंग ऐप आपको जायज लग रही है? बच्चों की भुखमरी है। अच्छा ये बताइए, अच्छा ये अगर 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 मैं कहता हूँ अगर भुखमरी है, अगर 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 कोई अगर अगर भुखमरी है, अगर भुखमरी की आप बात कर रहे हैं तो कन्वर्जन करेंगे आप? झूठ बोल के कन्वर्जन होगा?
और कोई कुछ नहीं बोलेगा। पहले मेरे भाई पहले बुकमरी पे डिबेट कीजिए कि सरकार ने किया क्या, 17.2% 17.8% कैसे बना 2016 से 2022 तक, सरकारी आंकड़े में अपनी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल भुखमरी पे बात होगी। मेरे देश के बच्चे भूखे मरते हैं। ओके ओके, स्वामी दिवाकर, स्वामी दिवाकर, स्वामी दिवाकर, और अब मामला इतना बड़ा बन गया है कि कोई इस विषय में बात ही नहीं करना चाह रहा, सब कोई भुखमरी पे बात करना चाह रहा है कहानी। और ये ऑल इंडिया पैटर्न सामने आ रहा है, अगर ये ऑल इंडिया पैटर्न है जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे, देन इट इज वेरी वेरी सीरियस। एक और खबर आ रही है व्यूअर्स, रुकिए, एक और बड़ी खबर आ रही है इस पूरी मामले में। एक और विक्टिम निकल के आया है जो चंडीगढ़ से निकल के आया है, एक और विक्टिम निकल के आया है इस पूरे मामले के अंदर गेम धर्मांतरण पर। यह अभी एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी खबर है, चंडीगढ़ का एक और नाबालिग बच्चा शिकार हुआ है। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है वो, गेम धर्मांतरण गैंग का एक और शिकार निकल के आया है, सोर्सेस के हवाले से खबर है। क्या बोलिएगा स्वामी दीपांकर? अभी तक अंताक्षरी, छोटा भीम, माय फ्रेंड गणेशा की बात हो रही थी। ये मात्र और मात्र मेरी बहन सुमैया ने यह शब्द जरूर छेड़ दिया, मगर खेल जरूर है अमीश बाबू इसमें, मगर खेल इसमें बहुत भयानक, बहुत भयावह है। एक चंडीगढ़ के बच्चे का आपने जिक्र किया, मैं कह रहा हूं कि पुणे की लड़की 4 साल बाद जब अपने परिवार को मिली, खेल तो हुआ मगर वो अपने परिवार तक को पहचान नहीं पा रही थी, ये हालत थी। तकरीबन मैं जितना समझता हूं 8 अप्रैल 1950, अगर जो कहीं गलत होगा करेक्ट कीजिएगा, नेहरू लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे अमीश बाबू कि अपनी अपनी माइनॉरिटी का ध्यान रखा जाएगा। एक तरफ लियाकत की तरफ देखिए तो 24% से कहां पहुंच गए, और यहां इंडिया में देखिए तो माइनॉरिटी रो रही है कि कम से कम हमारे बच्चों को तो बख्श, झूठ बोल रहे हैं महाराज जी आप, बेटियों को तो बख्श झूठ बोल रहे हैं, और कौन सा डेटा अगर कुछ बोले तो कोई अंताक्षरी बताएगा, झूठ बोल रहे हैं, उसको प्रभु से जोड़ देगा, कोई उसको छोटा भीम बताएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये खेल चल क्या रहा है, और अगर इस खेल को कहां 24% आपके पास, आप क्या बात कर रहे हैं, आपसे ये उम्मीद करेंगे, झूठ से नफरत फैलाएंगे आप, भारत के लोगों को विभाजित करने का कार्य करेंगे आप, झूठ बोल रहे हैं, कहां कौन सा डेटा आपके पास। मैं 1947 की बात कर रहा हूं, सुन लो, मैं 1947 की बात कर रहा हूं अमित जी, दादा बोलने दीजिए अमित जी, मैं आपको सोर्स बता दूंगा, पर बोलने तो दो। अच्छा एक सेकंड, अश्विनी कुछ कहना चाह रहे हैं, अश्विनी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, देन वी विल कम टू यू अश्विनी, 30 सेकंड था, 30 सेकंड। नहीं नहीं, झूठी जानकारी मत फैलाइए माननीय, हाथ जोड़ के निवेदन। 75 साल पहले धार्मिक आधार पे विभाजन हुआ था, 75 साल के अंदर हिंदू भारत के 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज चलिए तो 200 जिलों से पलायन कर रहे हैं इसी सोच के कारण, जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई पूजा के लायक नहीं है, न शंकर जी पूजा के लायक, ये इस्लाम पे डिबेट है, क्या बात कर रहे हैं अश्विनी भाई, आप जैसे समझदार व्यक्ति बकवास कर रहा है, अरे ये डिबेट आप सबको खत्म करेंगे, आप कौन होते हैं, जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाइए आप चैलेंज करें, क्या बात कर रहे हैं, आप मेरी आस्था को खत्म नहीं कर सकते, डिबेट अपराध पे, अपराध पर डिबेट करिए, आप गलत बात कर रहे हैं, खाली हो गए बिहार के 8 जिले, खाली हो गए झारखंड के, खाली हो गए, करिए ओपन डिबेट, 16 जिलों में देखते देखते आप क्या बात करेंगे अश्विनी भाई, हो गया हरियाणा का नूह मेवात निकल गया, राजस्थान के कोर्ट का वकील गुजरात के, इस तरह की बात करेगा समाज में क्या जाएगा, केरल के, अरे रिलीजियस मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है विषय पर रहे हम, विषय पर रहे, ये एक अपराध हुआ है, अपराध जी जी, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये भी इजाजत नहीं देता कि झूठ बोलकर गेमिंग ऐप बनाकर ये पूरा गेम हो। सुमैया राणा, सुबुई खान, मैं आप दोनों के पास आता हूं, आप दोनों महिलाएं हैं, और मेरा निवेदन है कि थोड़ा सीरियसली इस विषय पर डिबेट करें, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत बहुत एक सेकेंड, शादाब साहब अम्बेडकर ने जो सिद्धांत दिए उनको बदलोगे, अच्छा शादाब, ना संविधान बदल रहा है ना कुछ बदल रहा है, लेकिन प्रयास जरूर हो रहा है एक तरफ से कि हम इस देश की डेमोग्राफी को बदल दें,
इसमें भी कोई दोराय नहीं है और ये सीरियस मैटर है। मैं सीधे विषय पर आता हूं और डेमोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, वो डिबेट का विषय भी नहीं है आज। लेकिन लेकिन आप बताइए, क्या आपको सुमैया इसमें एक बड़ा गेम प्लान नहीं लगता? इंजीनियर शामिल हो रहे हैं, लोकल मौलवी शामिल हो रहा है, वो तो शुक्र है यूपी पुलिस का, उन्होंने खुलासा कर दिया। अब चंडीगढ़ में भी एक मामला सामने आ रहा है, आईबी भी इस पूरे मामले में कूद गई है, क्या आपको लगता नहीं है इट इज अ नॉन पार्टिसन, ये नॉन पॉलिटिकल है, ये बच्चों के भविष्य की बात है और नाबालिग बच्चों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल अमीर जी, मैंने आपसे पहले भी ये बात बोली कि इस मुद्दे को बहुत सीरियस तरीके से लिया जाना चाहिए। पर आप ही छोटा भीम और माय फ्रेंड गणेशा लेकर आए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये थी कि इसमें जिहाद लफ्ज जोड़ के आप किसी कम्युनिटी को टारगेट मत करिए, क्योंकि जो अपराधी होता है वो अपराधी होता है, उसका कोई धर्म और जात नहीं होती, लेकिन ये धर्म और जात पैदा करने वाले टीवी चैनल्स बन गए हैं। अच्छा, ये माय फ्रेंड गणेशा और छोटा भीम को कौन लेकर आया? स्टेट लव, कोई पता नहीं कौन कौन, आप मुद्दे को मुद्दे पे रहने दीजिए। माय फ्रेंड गणेशा और छोटा भीम को कौन लेकर आया? इस देश के बड़े बड़े खिलाड़ी और इस देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आ करके जो जुआ खेलने के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, जवान बच्चों को जो मोबाइल के जरिए जुआ खेल रहे हैं बैठ के और अपने अम्मा अब्बा के अकाउंट पे चूना लगा रहे हैं, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। क्यों जुए का आदि बनाया जा रहा है, इस पर कोई डिबेट आपने बिठाई? लेकिन क्योंकि उसमें कोई जिहाद लफ्ज जैसा जोड़ नहीं पा रहे हैं अभी आप लोग, किसी दिन जब आपको उसमें भी कुछ जिहाद और इस्लामिक स्टेट दिखाई देगा तो उस पर भी डिबेट बिठा दीजिएगा। मैं इस तरीके की बातों पर ना विश्वास करती हूँ। अगर कोई सच में कहीं पे अपराध हो रहा है तो पुलिस उसके लिए काफी है और अपराध और जस्टिस होना चाहिए। ओके ओके, सुमैया खान ओके सुमैया, हियर एंड आउट। सुमैया जी आपने बोला कि उनका एक वैलिड पॉइंट है, आपका एक वैलिड पॉइंट है कि हाँ कई हमने एक्टर्स को देखा है जो गैम्बलिंग की एड करते हैं और गैम्बलिंग की एड का वो गैम्बलिंग के ऑनलाइन में लोगों को आदि बनाया जाता है, लेकिन आपकी बात सही है वो गलत है, लेकिन गलत तो 100 चीजें हैं, लेकिन वो नाबालिग बच्चों को टारगेट नहीं कर रहे, टारगेटेड नहीं हो रहा, दैट इज द पॉइंट, वहां पर चीटिंग नहीं हो रही है, दैट इज द पॉइंट, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, वो एक अलग सिद्धांतिक रूप से डिबेट है, उसको किसी दिन चर्चा कर लेंगे। लेकिन सुबुई खान जी, जी अमीश, देखिए बच्चों के चरित्र हनन के लिए जो जो भी हो रहा है और जैसे जैसे भी हो रहा है उस हर चीज का हमें विरोध करना चाहिए, और कल को अगर इसके ऊपर भी कोई डिबेट होगी तो मैं उसमें भी आपको इतनी ही शिद्दत के साथ बच्चों के फेवर में खड़ी हुई दिखाई दूंगी। ये लोग बार बार कह रहे हैं आप अपराध के खिलाफ बोलिए, अपराध के खिलाफ बोलिए, तो उस अपराध के पैटर्न के खिलाफ भी तो बोलिए, वो अपराध दोबारा ना हो उस तरफ भी तो काम करिए। आपको बुरा लग रहा है कि जिहाद शब्द क्यों जोड़ दिया? क्या जिहाद शब्द सुबुई खान ने, अमित देवगन ने जोड़ दिया? जिहाद शब्द को इस्तेमाल सालों साल से आतंकवादी ही करते आए हैं। आतंकवादी संगठन वीडियो बना बना के कहते हैं कि ये हमारा जिहाद है, तब आप लोग क्यों नहीं मोर्चा खोलते हैं कि नहीं ये जिहाद नहीं है, ये गलत है, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तब लोग आप लोग मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। आपके बीच नहीं बोली वो सुबुई, 30 सेकंड बोलने दीजिए। हम लोगों को आतंकवादी संगठनों ने ही बताया है कि ये जिहाद है, आप लोगों ने कभी ये विरोध नहीं किया कि ये गलत परिभाषा बता रहे हैं जिहाद की, और जब जिहाद पे डिबेट्स होने लगी तो लेकिन ओके ओके सुबुई मैं स्ट्रेट क्वेश्चन, लेकिन क्या आपको जी लेकिन क्या आपको जब इतने सीरियस मुद्दे पर बात हो रही है, नाबालिग बच्चों को बहकाने की बात हो रही है, उस वक्त आपको इस्लामिक स्टेट का रोना छोड़कर और देश में हो रहे अपराध पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस्लामिक स्टेट की तरफ मोड़ देने से ना तो मसले का हल होगा, हाँ वो जरूर होगा जिसके लिए आप लोग बैठाए जाते हैं। सुमैया जी, अब कौन किसके लिए बिठाया जाता है ये तो कोई वक्त वो बात नहीं है, वो भी एक मदर है। अपनी बात कमाल की बात ये है कि वो महिला बोल रही है जो राजनीतिक दल का हिस्सा है, और उस महिला से बोल रही है जो किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। ये देखिए कमाल की बात है, आप अपने राजनीतिक हित साधने के लिए राजनीति करिए, सुबुई खान वो नहीं करती है। आपको समझ में आ गया ना, भारत की प्रवक्ता है। अगर मेरे देश के बच्चों को धर्मांतरण करके जबरन कुरान पढ़ने पे मजबूर किया जा रहा है, जबरन नमाज पढ़वाने पे मजबूर किया जा रहा है, तो मैं इस्लामिक स्टेट पर ही डिबेट करूंगी, और इस्लामिक स्टेट पर डिबेट होनी चाहिए। अच्छा, एक सेकंड बात बोलने वाली थी, ठीक है एक सेकंड, ऑल ऑडियो डाउन 10 सेकंड सुबुई खान। अमीश, साइकोलॉजी का एक सिद्धांत होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति से कोई अनुकूल व्यवहार कराना है, उसका माइंड कंट्रोल करना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट
कैरेट एंड स्टिक की एक धारणा होती है, यही करते हैं। आदमियों को बोलते हैं 72 हूर मिलेंगी, बच्चों को बोलते हैं कुरान पढ़ लो जी गेम जीत जाओगे, जन्नत में शहद है और अंगूर है और दूध की नदियां बह रही हैं, और अगर उनके हिसाब से काम नहीं किया तो दोजक में गरम गरम तेल में कढ़ाई में पकौड़ों की तरह तले जाएंगे।